नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है काफी चर्चा में है कि हम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं कोविड नाइनटीन में कि एक दिन में सबसे ज्यादा लोग जो कोविड की बीमारी बिमार, से आक्रांत हुए हैं इन्फेक्टेड हुए हैं और या जिनको आइडेंटिफाई किया हमने कि ये इन्फेक्टेड है डिजीज है इनमें तो उसमें हम सबसे आगे है दुनिया में पहले एक दिन में 24 घंटे में इतना संख्या पहले किसी देश में नहीं दिखाया था अमेरिका से जुलाई में ऐसा नंबर्स पे थे पर आज हम सबसे आगे निकल चुके हैं हम पहले भी आपको बता रहे थे कि हमारी जो बढ़ोतरी है दिन के हिसाब से उसमें हम अमेरिका से आगे पहुंच गए करीब 25 दिन पहले अगर हम देखें कि हम अमेरिका से कब से आगे निकल रहे हैं तो अमेरिका की पर डे फिगर्स आप देख सकते धीरे धीरे नीचे आ रहे थे और हमारे फिगर्स बढ़ रहे थे तो करीब बीस दिन पहले हम उनको क्रॉस कर चुके थे और हम ये पहले हम न्यूज क्लिक की हमारी जो चर्चा होती है कोविड पर हम काफी बार बता चुके हैं कि हम एक नंबर स्थान में दुनिया में हैं आज आज देख सकते हैं हमारा अगर फिगर सेवेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन अस्सी हजार के लगभग है तो अमेरिका पिछले चौबीस घंटे में करीब चौंतीस हजार है इसके बाद ब्राजील का स्थान है करीब पंद्रह हजार है तो हमारी अगर चार्ट देखे वही आपको दिखेगा कि हमारी फिगर्स न्यू केसेस की जो है सबसे आगे जा रहा है और दूसरे देशों का फिगर्स काफी रफ्तार से नीचे आ रहा है सबसे दुख की बात है दुख की बात कहूंगा क्योंकि जो जिन देशों में इस वक्त कोविड नाइनटीन काफी तेजी से बढ़ रहा है तो उनमें से किसी की रफ्तार हमारी जैसी नहीं है सबकी रफ्तार बढ़ी इसके बाद देख सकते हैं एक वक्त पे जाके उनका संख्या घटना लगता है जैसे मेक्सिको है रशिया है ईरान है यूके है उसकी संख्या बढ़ रही है पर एक हजार के लगभग है दिन में एक हजार कुछ भी नहीं है इटली में दिन में एक हजार और हमारी फिगर देखिए एक दिन में चौहत्तर हजार और पिछले दिन आप जानते हैं करीब वो सेवनटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक मतलब करीब अस्सी हजार के पास पहुंच चुका है अब देखिएगा कि जब हम सिर्फ 600 संख्या में थे 600 लोग बीमार थे आइडेंटिफाइड थे, हो तो सकता नंबर थोड़ा ज्यादा हो उस वक्त हमने लॉकडाउन की थी हमने कहा था कि तीन हफ्ते में इसको खत्म कर देंगे महाभारत की जय जै जैसी अठारह में महाभारत खत्म हो गई थी ये तीन हफ्ते में खत्म हो जाएगी इसके बाद और तीन हफ्ता हमारी लॉकडाउन बढ़ी पर इतने सारे लॉकडाउन और हमारे यहाँ कभी कठोर लॉकडाउन जिसे कहते उसके बावजूद हम इस बीमारी पे कंट्रोल नहीं ला पाए सिर्फ इतना ही नहीं लगातार ज्यों की ज्यों जो संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों सरकार की विजिबिलिटी क्या कर रही है केंद्रीय सरकार की विजिबिलिटी त्यों त्यों घटता गया और आज अगर आप देखें तो ना कि हेल्थ मिनिस्टर ना कि प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में कोई बात करने के तैयार है लो लेवल फंक्शनरीज हेल्थ मिनिस्ट्री की कभी-कभी आते हैं कुछ बोलते हैं पर उस वक्त जो हर रोज जैसे एक बयान आती थी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती होती थी, सब बंद हो गया बीमारी बढ़ रही है पर हमारा इसका रेस्पॉन्स जो है दिख नहीं रहा है हो सकता रेस्पॉन्स हो रहा है पर हमको तो दिख नहीं रहा है और इस वक्त लग तो रहा है कि हमने हाल छोड़ दिया है और यह सोच लिया है कि जो हो रहा है होने दो हमारे इस पर नहीं इसीलिए अब डाउन फोर की स्टेज पे हम अपने आप को घोषित कर चुके हैं जबकि स्थिति इस वक्त हमारे लिए सबसे नाजुक है अगर देखें एक्टिव केसेस की संख्या देखें आप तो आप देखेंगे एक्टिव संख्या हमारे यहाँ सबसे बढ़ तो बढ़ा तो नहीं सॉरी करेक्ट है अगर एक्टिव केसेस की के संख्या को देखे देखेंगे अमेरिका करीब करीब फ्लैटन होने को जा रहा है हालांकि हमारे से काफी ज्यादा है चार बिलियन के लगभग उनका एक्टिव केसेस है हमारे यहाँ अभी भी एक बिलियन से कम है करीब सात सात लाख इक्कीस हजार के लगभग है पर चिंता की हमारी बात है कि हमारी ग्राफ फ्लैट उस तरह से हो नहीं रही है अभी डबलिंग रेट अगर देखेंगे टोटल केसेस की डब्लिंग रेट आप देखेंगे तो डब्लिंग रेट हमारा करीब यहाँ पर 25 के लगभग है 25 दिन में हमारा नंबर डबल कर है जबकि अमेरिका की डब्लिंग रेट इस वक्त करीब 50 से 60 दिन के बीच में है तो यह मतलब है कि दूसरे देश भी ऐसा नहीं कि इस बीमारी पे काबू पा लिया है पर हमारी रफ्तार बढ़ने की सबसे ज्यादा इस वक्त है और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं लग रहा है कि हम दुनिया में सबसे एक नंबर में टोटल केसेस में भी, भी आ जाएंगे एक्टिव केसेस में तो आएंगे ही करीब एक डेढ़ महीने में तो यह जो चिंता की बात है कि हम जो लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है इसके लिए हम कर क्या रहे हैं इसका कोई जवाब हमको अभी तक मिल नहीं रहा है अगर एक्टिव केसेस की के संख्या देखेंगे पिछले बार भी हमने जिक्र किया था देखेंगे कि लगभग इसकी व्यापकता इस वक्त काफी ज्यादा है काफी फैला है पहले शहरों में था अब शहरवती इलाकों में पहुंचा है और डिस्ट्रिक्स जो शहर से लगा हुआ है मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी से जो लगा हुआ है उसमें फैला है और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी टाउन्स से, है छोटे कस्बे है छोटे शहर है उसमें भी अब फैलना शुरू किया है तो इस वक्त हमारे यहाँ यह नहीं कह सकते कि हमारी शहर ये सिर्फ शहरों में फैल रहा है काफी तेजी से हर जगह पे फैलने की आसार नजर आ रहे हैं और जो शहरों में कुछ कमी नजर आई थी पहले जैसे दिल्ली शहर में थोड़ी सी पहले कमी नजर आई थी अब जो हमको हम देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि हमारा वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इस वक्त जैसे दिल्ली है उसके फिगर्स भी फिर बढ़ना शुरू हुए तो चेन्नई भी धीरे से बढ़ना शुरू हुआ है अगर हम देखें कि शहरों की स्थिति देखें तो दिल्ली शहर में करीब 2000 हजार की लगभग संख्या पहुंच रही है 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में जैसे जैसे शहरों में लॉकडाउन की जो पहलू थी वो घटा है अनलॉकडाउन की स्थिति में आ रहे हैं नॉर्मल सी जाहिर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ साथ संख्या बढ़ रही है तो ये तो ये शहरों की स्थिति रही उतनी अच्छी नहीं है फिर भी पहले से थोड़ा सा बेहतरी मान के चलूंगा अभी हर शहर में स्थिति बिगड़ी नहीं है पर जो चिंता की बात है कि काफी गाँव में काफी छोटे शहरों में भी ये फैला है और इस फैलाव के वजह से इस वक्त सिर्फ शहरों में नहीं पूरे भारतवर्ष के लगभग आधे या फिफ्टी या सिक्सटी परसेंट डिस्ट्रिक्ट काफी फैल चुका है और अगर आप स्टेट्स की मैप देखें तो देखेंगे कि करीब करीब आधे स्टेट्स इस वक्त एक सीरियस स्टेट स्थिति में है चाहे वो चेन्नाई चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे आंध्रा हो चाहे कर्नाटका हो महाराष्ट्र और दिल्ली को तो बारे में हम पहले से जानते ही हैं उत्तर प्रदेश हो उड़ीसा हो बंगाल हो यह तो आपकी तेलंगाना हो तो इन सब प्रांतों को अगर हम गिने तो देखेंगे 50 से 60 प्रतिशत जनता देश की इसी इन प्रांतों में रहता है तो यहाँ पर इन इसको देखते हुए इस वक्त 60 प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट हमारे इस वक्त कोविड 19 की शिकार है काफी बड़े पैमाने पे यह दर्शाता है सवाल यह है कि चीन के बारे में हम चीन के साथ कंपटीशन करते हैं लगभग हर चीज पे कहना चाहते हैं हम चीन से आगे जाएंगे चीन की जीडीपी बड़ी है पर हम उसके उधर जाएंगे आत्मनिर्भर बनेंगे चीन से सामान नहीं करेंगे बिल्कुल सही है करना चाहिए चीन से कॉम्पिटिशन करने, करने के लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि आखिर चीन एक वक्त पे हमारे जैसे मुल्क था हमारी जब आजादी मिली चीन भी उस वक्त ही लगभग उनकी जो रेवोल्यूशन है वो हुआ जिससे वो आ, कलोनियल फोर्सेस की कलोनियल ताकतों से मुक्ति पाए पर आज अगर देखें 40 साल पहले 40 साल पहले आजादी की इस तरह की स्थिति नहीं थी चीन की जीडीपी हमसे बड़ा था पर हमारे से पॉपुलेशन भी बड़ा था पर अगर इसके बाद देखें पिछले 20 साल देखें तो चीन जिस रफ्तार से बढ़ा है हम उस रफ्तार से बढ़े नहीं और अगर हमारी कोशिश होती कि उस रफ्तार से बढ़ेंगे अच्छी बात है अगर आज भी वो कोशिश करना चाहेंगे पर क्या वजह है चीन ने बड़े आसानी से लगता है आज के तारीख पे लगता है कि दो महीने पे इस बीमारी पर काबू पी पा लिए महामारी पे काबू पा लिए उनकी बयासी हजार लोग बीमार पड़े थे उस वक्त बहुत बड़ा संख्या लग रहा था हमारे आज सात लाख से ज्यादा बीमार है अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा बीमार है इस सबको देखते हुए ये बड़े फिगर्स अब बर रहे नहीं तो चीन ने अगर दो महीने में इस महामारी पे काबू क्या वजह है दूसरे मुल्क चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे ब्राजील हो वो इस बीमारी पे काबू नहीं पा रहे हैं और इसके एक बहुत बड़ा वजह ये रहा कि सरकार इसको एक पहले तो ब्राजील और अमेरिका ने इसको नजरअंदाज किया था ब्राजील अभी भी पर हमारे यहाँ पर इसको एक पुलिस को लगा के हम पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल करना चाहते थे पब्लिक हेल्थ में सार्वजनिक जो लोगों की सहमति चाहिए उसको कैसे उनको हमारे इस लड़ाई में शामिल कर सकते वो देखना चाहिए और इसको एक पब्लिक हेल्थ चीज मान के चले ना कि एक क्वारंटाइन को और क्या कहते हैं लॉकडाउन को कर्फ्यू और सेक्शन 144 के जरिए चलाए ये नहीं होना चाहिए तो हमारा रवैया पब्लिक हेल्थ की तरह नहीं था हमारा रवैया था कि एक पुलिस के जरिए हम इस पब्लिक हेल्थ को नियंत्रण कर सकते हैं और वही विफलता है जैसे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहा है टोटल रहा है इसको कंट्रोल करने की कोशिश लॉकडाउन विफल तो हो गया इसके बाद लगता है सरकार के पास और कुछ बचा नहीं है इसीलिए सरकार इस महामारी के बारे में चर्चा करना ही बंद कर दिया सवाल हमारे सामने यह है कि अगर हम इस महामारी से मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं करेगी हर मुल्कों की यही यही निकला है कि जब तक ये कोविड 19 का प्रभाव रहता है एक देश में तब तक इकोनॉमी खुलती नहीं है बढ़ती नहीं है और इसीलिए इकोनॉमी की सवाल और कोविड नाइन्टीन एपिडेमिक की सवाल इस वक्त अलग अलग नहीं है मिला जुला है अब देखिए चीन में चीन की तस्वीरें आ रही है वो लोग थीम पार्क में भरे पड़े हुए हैं स्विमिंग पूल में बड़े बड़े पार्टियां हो रही है रेस्टोरेंट से लेकर सिनेमा हॉल सब खुल गए हैं तो ये पॉसिबल इसीलिए है कि दो महीने के बाद इनपे सिर्फ दो पिछले तीन साढ़े तीन महीने में सिर्फ दो हजार लोग और इन्फेक्टेड हुए हैं जबकि हमारे देख लीजिए तीन महीने में दो हजार हमारे यहाँ पर एक दिन में इस वक्त अस्सी तो हजार सामना न करके अभी भी सरकार जो है जो कहते हैं ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपना रही है कि जैसे ऑस्ट्रिच सोचता है कि किसी ने देखा नहीं मुझे अगर मैं अपना सर आ, सैंड के नीचे कर देता हूँ रेत के नीचे मेरा आ, सर कर देता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तो दुनिया भी मुझे नहीं देख पाएगी अब लगता है हम भी कुछ ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपना रहे हैं बीमारी के बारे में महामारी के बारे में बात करना छोड़ दिया क्या उसके साथ साथ हम दवाइयों के कुछ प्रबंध कर रहे हैं अस्पताल को ठीक कर रहे हैं क्या हमारी वैक्सीन की कोई कोशिश हो रही है सवाल सरकार के सामने है कि वैक्सीन हर देश कोशिश कर रहा है कि लाइन में पहला खड़े हो जाए और ब्लॉक कर दे वैक्सीन की जो संभावनाएं है ब्लॉक कर दे मतलब पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दे हमारे यहां पर तीन बड़े बड़े वैक्सीन बनाने वाले कंपनियां हैं सेरम इंस्टीट्यूट दुनिया में सबसे बड़ा जेनेरिक वैक्सीन प्रोड्यूसर है उसके साथ कैडिला है बायोटेक भारत बायोटेक है हमारी वैक्सीन करीब करीब बारह महीना और लगेगा उसको खड़े उतरने में थ्री फोल्ड टेस्ट जो होते हैं फेज वन फेज टू फेज थ्री टेस्ट वो करके निकलने में कम से कम नौ से बारह महीना मेरे ख्याल से बारह महीना ही मान के चलना चाहिए दूसरे वैक्सीन दूसरे वैक्सीन जो भी अभी करीब आठ नौ वैक्सीन ऐसे हैं जो फेज फेस्ट्री ट्रायल्स में है फेस्ट्री ट्रायल्स मतलब हो सकता है तीन महीना चार महीने के अंदर ये वैक्सीन हमें मिलना शुरू हो जाए तो उसके लिए अमेरिका ऑलरेडी करीब 900 मिलियन डोज वो ऑर्डर प्लेस कर चुका है यूके पूरा अपने पॉपुलेशन के ऑर्डर प्लेस कर चुका है यूरोपियन यूनियन अपने देशों के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है हमारा क्या होगा दूसरे मुल्कों के क्या होगा जो गरीब मुल्क है उनका क्या होगा इसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है और हमारे सरकार से पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती है क्या उन पर जिम्मेदारी दी गई है कि आप कम से कम इतना डोज हिंदुस्तान के लिए आप रिजर्व करोगे क्या दूसरे जो गरीब मुल्क है उसके लिए आप कुछ सोच रहे हैं कि सब मिलके वैक्सीन का टेक्नोलॉजी पुराना है बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी जो पुराना टेक्नोलॉजीज़ है तो उसको कैसे हम स्केल अप कर सकते उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं फरीदाबाद में एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का एक वैक्सीन बायोलॉजिक प्लेटफॉर्म है उसका कोई जिक्र नहीं है वो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हमको नहीं बता रहे तो जो जोर शोर से हम पहले हर दिन अपना हेल्थ मिनिस्ट्री से हेल्थ सेक्रेटरी के डायरेक्टर जनरल ये सब आके बात करते थे सब चुप्पी साध रही किसी की जुबान खुल नहीं रही है कि वैक्सीन में हमारे देश में अपने लोगों को वैक्सीन मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा और उसके लिए आप क्या पैसा आपने कुछ उसके लिए खर्चा कर रहे हैं आपने क्या प्रबंध किया है कि जो वैक्सीन कंपनियां है उनका लाइन्स प्रोडक्शन लाइन्स बढ़ाने के लिए जो लागत होनी चाहिए उसके लिए लोन्स उपलब्ध कराना या सरकार की तरफ से पीएम कलेक्ट किया है उसका एक हिस्सा वैक्सीन को दिया ताकि ये वैक्सीन कैपेसिटी बढ़ाए इसके लिए कुछ किया है आपने डीबीटी की जो फैसिलिटी है उसको वो क्या वैक्सीन बना सकती है उसके लिए कुछ किया है आपने हो सकता आपने किया हो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने कुछ नहीं किया और किसी को ये पता नहीं है और हमको भी नहीं पता है जो हम पत्रकारिता करते हैं हमको भी इसके बारे खबर नहीं है तो क्या हम इन कंपनियों की सिरम इंस्टीट्यूट या दूसरे कंपनियों की चैरिटी पर डिपेंडेंट है या सरकार की इस पे कोई सुनियोजित परिकल्पना है जिसके जरिए हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध वो कराएंगे क्योंकि साफ है जब तक वैक्सीन नहीं आएगा जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते से कोविड नाइन्टीन का कोई हल नहीं होने वाला है ये लगातार बढ़ेगा और हमने इस वक्त ये खिताब जीत ली है सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग देश है कि एक दिन में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हिंदुस्तान में हुआ है और किसी मुल्क में नहीं पर हमारा पहला नंबर का खिताब तो हम 20 दिन पहले ही जीत चुके थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंफेक्शन इस वक्त हिंदुस्तान में है कोविड 19 की और अनफॉर्चुनेटली अगर कोविड 19 की एपिसेंटर कौन है इस वक्त देखे तो ये हिंदुस्तान है दूसरे मुल्क में भी बढ़ रहा है ऐसा नहीं कि दूसरे मुल्क इस पर सब कुछ ठीक ठाक है ऐसा नहीं है पर जिस रफ्तार से हमारे यहाँ बढ़ रहा है उस पे कोई रुकावट नहीं नजर आ रहा है जो कि एक अनोखी आ, अनोखा चित्र है हर मुल्क में कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ उस पर लगाम लग रही है हमारे अलावा अमेरिका में सबसे देर में लगा पर अमेरिका में भी अभी उसको घट घटते दिखाई आ रहा पड़ रहा है मतलब एक्टिव केसेस घट रहा है और न्यू केसेस की संख्या भी घट रही है हमारे यहाँ लगातार बढ़ी जा रही है मैं इस बात पे ही खत्म करना चाहूंगा कि सरकार के सामने ये दो सवाल है जो हमको फिर करना है कि आप इस महामारी के बारे में अब क्या कदम उठाना चाहते हैं जबकि संख्या इस तेजी से बढ़ रहा है इसके लिए हम बताइए कि टेस्टिंग बढ़ाने के अलावा आपने कुछ किया है कर रहे हैं या नहीं टेस्टिंग बढ़ाने से पता चलता है कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं पर उसके बाद काम शुरू होता है उनको लेके करना क्या है वो आपने किया है क्या कदम उठा रहे हैं उठाए हैं या क्या कदम उठाना चाहते हैं क्या अपने स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत किए हैं क्या कि क्या कदम कैसे उठाने चाहिए उस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है आप और आपके डिपार्टमेंट्स दूसरी सवाल वैक्सीन ही के ऊपर अगर भरोसा करे कर रहे हैं कि वैक, वैक्सीन इस प्रॉब्लम को हल करेगा तो वैक्सीन के बारे में आपने क्या कदम उठाए हैं उसके पर आपने क्या लागत क्या किया है आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किया है और कुछ कर्ज दिया है क्या किया है आपने ताकि हमारे लोगों में हमारे यहाँ वन बिलियन लोग हैं तो ये संख्या कम नहीं है इनके लिए वैक्सीन बनाना बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए आपने किया है? क्या किया है ये दो सवाल आपके सामने हम करना चाहेंगे आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूज क्लिक इस विषय और दूसरे विषयों को लेके आपके सामने हम आते रहेंगे